Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil hammas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. آمنت بالله صدق الله العظيم رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله شهنشاه حبيب مدينة सदका अपने फकीरां दा दे सोहणिया सदका अपने फकीरां दा दे सोहणिया खाली जावा ना मैं तेरी दरबार चूं। आज की जो तकरीब है इसमें हमने दो चीजों को शामिल किया है। एक तो हमारे दस्तकारी स्कूल का ये फंक्शन था कि दस्तकारी स्कूल का फंक्शन होता है कि इसमें हर सेशन के पोजीशन हासिल करने वाले बच्चियों को सिलाई मशीनें दी जाती हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और इसके अलावा जो मुकम्मल अदरी वाली तालबात होती हैं उनको भी सिलाई मशीन मिलती है और जो बाकी अगर ज़्यादा हो तो उनको बाकी को प्राइज़ मिलता है, शील्ड मिलती है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ हमने इस में शामिल की है वो जैसा कि इस पीछे आप देख रहे हैं लिखा हुआ भी है, हमारा सर्जिकल आई कैंप लगा था इसी जान सादिक मेमोरियल बिल्डिंग में 22-23 अक्टूबर को। तो उस हवाले से भी हमने ये तकरीब जो है वो इकट्ठी कर दी थी कि उन जो रजाकारान ने काम किया है सबको हम शील्डें दें। हक तो हम किसी का अदा नहीं कर सकते लेकिन ये है कि उनको शील्डें दें ताकि सबकी हौसला अफजाई हो और घर में रखी हो तो वो कोई पूछे तो ये क्या किया है तो वो बताने काबुल हो कि हमने कोई बड़ी अच्छी फलाई सरगर्मी में हिस्सा लिया था। तो मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारा ये सर्जिकल कैंप लगा था यहाँ पे, इसमें सफ़ेद मोतिया के फ्री ऑपरेशन किए गए थे। जो मरीज़ चेक किए गए थे यहाँ पे उनकी तादाद 935 थी दो दिनों में और ये किसी भी कैंप में बड़ी अच्छी तादाद है। 935 मरीज़ों को चेक किया गया है और उनमें से 67 मरीज़ों के फ्री मोतिया के ऑपरेशन किए गए थे यहाँ पर और 33 मरीज़ों को अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल पाक ट्रस्ट ने रेफर किया था, उनका भी खर्चा पाक ट्रस्ट ही बर्दाश्त करेगा, जबकि 325 मरीज़ों को फ्री नज़दीक की एनके मुहैया की गई थी। तो इस हवाले से ये कैंप जो था वो हमारा बड़ा कामयाब रहा है। चूँकि ये हमारा पहला कैंप था इसलिए यहाँ पे 67 सर्जरीज हुई हैं, 67 ऑपरेशन हुए हैं। इंशाल्लाह अगले साल उम्मीद है कि ये 100 या उससे ज़ायद इम्कान है ऑपरेशन का। तो इसके बाद हमारा दूसरा जो सर्जिकल कैंप लगा था वो जड़ावाला में लगा था, 28, 29 और 30 तीन दिन का ये कैंप था जिसमें पाक ट्रस्ट के चेयरमैन साहब ने मरीज चेक हुए हैं। वहाँ पे ऑपरेशन जो किए गए हैं उनकी तादाद 385 है, 385 ऑपरेशन वहाँ पे कराए गए हैं। उनका जो खर्चा है ऑपरेशन का वो पाक ट्रस्ट ने POP को अदा किया है और ये बहुत बड़ी तादाद है 385। जब वहाँ पे जब हम गए हैं हमने देखा है कि कतारों की कतारें लगी हुई हैं, पट्टियाँ बंधी हुई हैं, लोगों को ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन हो चुके हैं और देख के बड़ी खुशी हुई है कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल किया है कि हम इनकी मदद कर सकें। तो इस दौर में ऐसे लोगों की मदद करना यकीनन बाएं से अजर और सवाब है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इस भरपूर अजर अता फरमाए।
उज्मा शहीन, नादिया अमरीन, शोभिया वकास, नदीहा मरियम, अपने सर्टिफिकेट अगर बाहर निकाल दें, सामने निकाल लें। राफिया रहीम, दो क्लासे हमारी थी, ये सेशन 5 की तालबात है और सेशन 6 की तालबात को अभी हम बुलाएंगे, उनको भी सर्टिफिकेट देंगे। यानी कि इन 3 महीनों में हमारे इस दस्तकारी स्कूल से 2 क्लासे फारिग हुई हैं। तो ये आप साइडों पे देख रहे हैं, ये जो कपड़े सीए में लगाए गए हैं, ये सब इन तालबात में सीए हैं और ये तमाम ऐसी तालबात हैं जिनको पहले सिलाई बिल्कुल नहीं आती थी, यहाँ पे उन्होंने सिलाई सीखी है। डिजाइनिंग भी सिखाई जाती है, सिलाई के तमाम असूल सिखाए जाते हैं। तालबात ने इम्तहान लिया था और उनमें से सिर्फ एक कामयाब नहीं रही, बाकी 28 को सर्टिफिकेट जारी किए गए। हमारा मई जुलाई का, उसमें कुरानदाजी हलीमा साजिया के नाम निकली थी, जो सेशन नंबर 6 था उसमें मरियम पीपे की निकली थी। इसके बाद सेशन नंबर 7 चूंकि हमारा नया सेशन था, इसका रिजल्ट भी आज ही हमने अनाउंस किया है। हमारी जो लेडीज विंग की असिस्टेंट ब्रेजर है मिस नीलम मुनीर, उनका मेरे ध्यान में नहीं रहा, वो भी सामने आए और वो भी अपनी क्लास के साथ उसी में चाहे। ये फर्स्ट पोजीशन समीया शहजादी की थी और मुकम्मल आदली भाई तालबा हलीमा सादिया, इनके नाम कोरा निकला था। इसके नंबर सेशन नंबर 6 जो इवनिंग का सेशन है, उसमें 3rd पोजीशन थी मारिया रमजान की, 2nd पोजीशन थी साइमा साजिद की और 1st पोजीशन थी नाजिश अमरीन की। 30 मशीनें ट्रस्ट के लिए देनी ज़रा मुश्किल है क्योंकि ट्रस्ट के और भी फ्लाई मनसूब आजाद होते हैं, इसलिए ट्रस्ट की इंतजामिया कम अज़ कम 4 मशीनें हर सेशन के खिताम पे बच्चियों में तकसीम करता है। तालबात के लिए तालियां। ये बच्चियां आज जाते वक्त वापसी पे यहाँ से अपने अपना इनाम वसूल करके जाएं। ये तो किसी और को दे देते हैं। फ्री सर्जिकल आई कैंप को कामयाब बनाने के लिए दिन रात कर दिया और इसी वजह से हमारा ये सर्जिकल कैंप कामयाब हुआ। नवीद अहमद, शाहिद बशीर, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद गुफरान कामिल, मोहम्मद गुफरान कामिल हमारे मुख्य प्रेजेंटर थे और ये खास तौर पे इंग्लैंड से तशरीफ लाए थे इस कैंप को अटेंड करने के लिए। ये स्टूडेंट है फॉर्म डी के, इस्लामाबाद होते हैं। तमाम वॉलंटियर्स का और ट्रस्ट की इंतजामिया दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने भरपूर तआवुन किया और इस कैंप को कामयाब बनाने में दिन रात किया।
आज नहीं आ सके उनकी शिरडे हम उनको पहुँचा देंगे और तमाम रजाकारों को ये बताते हुए मुझे फख्र है कि जो पीओपी लाहौर से डॉक्टर्स की टीम आई थी उन्होंने हमारे सिपाही कैंप को बहुत सराहा है। खास तौर पे जो सर्जन थे डॉक्टर अशल पाल साहब उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में कहा कि मुझे 20 साल हो गए ये कैंप ऐसे कैंप करते हुए लेकिन ये कैंप मैंने पहली दफ़ा देखा है जिसमें इतना नज़्म ज़ब्त है और हर बंदा हर वॉलंटियर भाग भाग के काम कर रहा है और उन्होंने बड़ी तारीफ की है इस कैंप की। तो यकीनन इसका सेहरा तमाम रजाकारों को जाता है तमाम डोनर्स को जाता है और मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मेहमान हैं वो भी आके हमारी टीम के साथ शामिल हों ताकि हमारा इंसानों हमारे लिए इज्जत अफजाई है। चलो चलो और पाक प्रेस के तकरीबन 60 रजाकारान थे जिन्होंने इस सर्जिकल कैंप में हिस्सा लिया। लेते हैं इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मिस तस्मिया मुनीर को। ये अपनी मसरूफियात की वजह से इंग्लैंड से तशरीफ नहीं ला सकी थी लेकिन ये भी हमारी वॉलंटियर हैं जो हमारे पिछले कैंपों में शामिल होती रही हैं। इनका शुक्रिया कि ये हमारे साथ तावन करते हैं। ये मुकम्मल अजी भाई का अनुभव है जिनको हमने शेले दिए हैं अपनी अपनी विशिष्ट तस्वीर। इसके बाद सेशन नंबर 7 के तौर पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया जो यहाँ पे तशरीफ लाए तमाम रजाकारान का तमाम दस्तकारी स्कूल की तालबात का शुक्रिया कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए। सबके लिए अदारा हमारा जो है इंशाल्लाह सबसे ज्यादा तरक्की पे जाएगा शहर में हमारा नाम है और जो मैंने लीव इलाका चूज किया था आज मुझे खुशी है कि इस इलाके में जितने लोग हैं वो सब मुझे जब मिलते हैं तो पूछते हैं ये अदारा कैसे चल रहा है तो मैं अपने बेटे साजिद का नाम लेता हूँ कि उनकी मेहरबानी की वजह से ये अदारा चल रहा है। मैं तो अकेले नहीं चला सकता तो इसके अखराजात इतने ज़्यादा हैं तो आप हैरान होंगे कि अगर 385 आदमी क्या करना चाहिए और सफेद मोती और काला मोती इंतजाम तना के और लोगों को चेक कराना चाहिए तो जो लोग चेक कराते रहे हम उनको मदद फ्राहम करते रहे जो स्पेशल कह सकते हो कि बच्चियाँ बहुत अच्छी रही हैं और अंदर जो बच्चियाँ आ रही हैं जो बच्चियाँ आ रही हैं मेरी क्लास में मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी आगे काम संभाल लिया और हमारे जो ड्यूटी संभाली थी वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रही हैं शीलें दी हैं तो जो अब नए सिरे से आई हैं उनके जब नाम रजिस्टर करेंगे उनको भी शीलें जाएंगी तो काम करेंगी। करूँगा कि मुसाई साहब को अपने हाथों से शील काम करें। मुसाई साहब की सुना है और अब आप इनको तेरी खातिर की हम चाहते हैं तेरी रजा को चाहते हैं हमारा कोई और मकसद नहीं तेरे तुझको खुश करने के लिए ये सब इंतजाम किया है। या अल्लाह हमारी जितनी भी कोशिशें हैं इनको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा।